ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਕਰੋ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ब्रीफिंग देनी उर्दू देनी पंजाबी देनी है उर्दू में दे दे पंजाबी में दे दे अच्छा बात भैया ऐसे है कि अभी हमारे कोलीग को कॉल आई है FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर बन के उन्होंने कॉल की है जी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो वो एक प्राइवेट बैंक का नाम ले रहे थे जिसमें हमारे सैलरी अकाउंट्स हैं उन्होंने कहा जी कि आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई नहीं है तो आप इसको वेरीफाई करवाएं मैं FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर को बात कर रहा हूँ तो ये भैया एक स्कैम है जो ये लोग पोर्टल ऐसा यूज़ करते हैं कि आपको नंबर शो होता है एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिसेज का लेकिन वो इनफैक्ट अपने प्राइवेट नंबर से कॉल करके आपसे पासवर्ड वगैरह और आपके लॉगिन्स वगैरह जो हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग के ले लेते हैं और फिर आपके अकाउंट को जो है ना वो मिसयूज़ करते हैं तो खैर उनसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज में जब बात की गई तो वो भाई साहब बंद करके धमकियाँ देते हुए तो आप लोग भी बचिए ख्याल रखिए कोई भी अपने पासवर्ड्स या कोई भी अपनी ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसको सवाए किसी बैंक की अथॉरिटी के किसी को ना दीजिए बल्कि बैंक की अथॉरिटीज़ भी आपसे नहीं पूछती हैं वो गाये बगाए आपको मैसेज भेजते रहते हैं कि आपने अपने पासवर्ड्स या अपने लॉगिन जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने और बैंक क्यों पूछेगा आपसे अगर कोई ऐसी बात होगी तो बैंक की तरफ से लेटर आएगा या उनकी कॉल आएगी कि आप ब्रांच में तशरीफ़ लें तो जो भी कार्रवाई होगी वो ब्रांच में वो खुद ही उसको हैंडल करते हैं कोई भी ऐसे प्राइवेट नंबर से कॉल नहीं करता तो बचिए इस चीज़ से देखिए तो परेशान हो के अपने किसी को भी लॉगिन या पासवर्ड्स ना दीजिए अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी है जवाब भाई कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट हेल्पलाइन के नंबर से कॉल करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है इससे भी बचना चाहिए यकीन नहीं करना चाहिए जी जी जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि वो ऐसे पोर्टल्स या पीछे उन्होंने ऐसे अपने जो हैकर्स हैं उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा रखा हुआ है कि वो अपने मोबाइल नंबर से या किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल करते हैं लेकिन आपको जो नंबर शो हो रहा होता है कि जहाँ से कॉल आ रही है वो एक्चुअल गवर्नमेंट ऑफिसेज का नंबर होता है लेकिन ये बारहा गवर्नमेंट ऑफिसेज ने इनफैक्ट FIA ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इन ऐसे स्कैम से आप बचिए और इसको आप वेरीफाई कीजिए FIA के एक्चुअल नंबर्स पे या उनके हेल्पलाइन पे या उनकी ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर आप जाके कंप्लेंट लॉन्च करें तो वो आपको इसका रिस्पॉन्स दे देंगे तो जी व्यूअर्स बड़ी आपको हेल्पफुल एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि अभी भी हमारे साथ एक कॉल पे बीत चुकी है हमारे साथ सो स्टे ट्यून्ड विद अस इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़